बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप ठीक होंगे। ये सवाल था किसी दोस्त का, उन्होंने पूछा है जी कि एज एन ओवरस्टेयर विद अ ड्यूरेबल रिलेशनशिप कैन आई स्टिल अप्लाई फॉर एन ईयू एप्लीकेशन इफ आई हैव गॉट प्रूफ दैट वी वर लिविंग टूगेदर बिफोर ब्रेग्जिट 31st December 2020। सेकेंड पार्ट इसी सवाल का, माई वाइफ इज अ फ्रेंच नेशनल एंड हैज गॉट प्री सेटल्ड स्टेटस, थैंक्स। ये था जी इनका सवाल। सो बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैंने चूंकि आपकी बाकी डिटेल्स को मैं जानता नहीं हूं कि आप इस वक्त कहां पे हैं, क्या बाकी मामलात हैं, सो मैं आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है इस सवाल के बारे में आपको मैं दे देता हूं। लेकिन आपको फर्दर अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो ब्रैडफर्ड ऑफिस है, अगर आप ना आना चाहें तो आप फोन कंसल्टेशन जो है वो बुक करके अपना लीगल एडवाइस ले लीजिएगा। लेकिन यह है कि फर्दर इसी सवाल का मजीद यहां पे अगर आप मजीद सवालात करते जाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगी। द बेस्ट थिंग इज के अपनी एडवाइस बुक कर लीजिएगा आप। सो इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यू कैन अप्लाई एज द नॉन ईईए फैमिली मेंबर ऑफ ईयू और ईए स्विस, वो जो मतलब जो भी मेंबर्स उनके आ जाते हैं कि आप चूंकि नॉन ईयू नेशनल हैं तो आप अब आप जो है अपना ड्यूरेबल रिलेशनशिप के बेस के ऊपर जो है एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हैं। सो सवाल आपका यह है कि क्या अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, चूंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेग्जिट से पहले का है। सो अगर आपका रिलेशनशिप 31st December 2020 से पहले का है, सो यू विल नीड टू शो एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप। एक तो पहली बात तो ये आ गई कि आपको अपना रिलेशनशिप की जो है वो आपको एविडेंस जो है वो शो करना होगी कि जी के उसमें एविडेंस की रिलेशनशिप की ये हो सकती है कि अगर आप आपका मैरिज है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आप जस्ट एज अ लिविंग एज अ पार्टनर जो है इकट्ठे वैसे ही साथ में रह रहे हैं जैसे आपने लिखा कि ड्यूरेबल रिलेशनशिप है कि साथ में आप इकट्ठे हैं, तो फिर उसकी आपने एविडेंस जो है, एविडेंस कुड भी जो है आप लोगों की पिक्चर्स हो सकती हैं, फिर उसके बाद आप लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं, किसी होटल में स्टे किया है उसकी पिक्चर्स हैं, फिर उसके बाद जो अगर आपके नाम के कोई बिल्स हैं टुगेदर वो चीजें हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग जो है, डिपेंड करेगा कि आपकी क्या एविडेंस आपको क्या दे रहे हैं। सो एक तो ये आपकी एविडेंस आ रही, एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप जो है। सेकेंड आपका आ गया कि ये सारा जो रिलेशनशिप था ऑब्वियसली 31st December 2022 से पहले का है। अगर ये सारी चीजें अगर हैं आपके पास तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक साथ में एक सॉलिड जो ग्राउंड है, सॉलिड एविडेंस जो है वो भी देनी पड़ेगी कि क्या रीजंस हैं। अगर तो आप आउटसाइड दी कंट्री हैं तो फिर आपको ये रीजन देनी पड़ेगी कि आपने बिफोर टाइम जो है क्यों अप्लाई नहीं किया, उसकी आपको सॉलिड ग्राउंड देनी होगी। अगर आप इनसाइड दी कंट्री हैं तो तब भी आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगेन प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर एप्लीकेशन कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।